जय हिंद दोस्तों, तो दोबारा से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए कैसे पता कर सकते हैं। यानी इस क्लास में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो ए है, एक्स का कॉफिशियंट बी है और एक्स नॉट का कॉफिशियंट सी है। कंडीशन ये है कि a जो है यानी x स्क्वायर कॉफिशियंट a वो जीरो नहीं होना चाहिए और a b c यानी तीनों कॉफिशियंट जो हैं वो रियल नंबर होने चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको हम दो रूट्स निकलेंगे इसके, पहला है अल्फा दूसरा है बीटा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो उस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसकी जो वैल्यू होगी उस बेसिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि अल्फा और बीटा क्या निकल के आएंगे, यानी उनका नेचर क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि रूट का जो नेचर है वो क्या होगा। जैसे अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, हम ये भी कह सकते हैं कि d की वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है, तो जो अल्फा बीटा निकल के आएंगे वो आपके रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी दोनों बराबर नहीं होंगे और रियल नंबर्स होंगे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तो आपके अल्फा बीटा रियल होंगे और दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी, यानी दोनों इक्वल होंगे। और इसी तरह से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट की, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि d जो है वो जीरो से क्या हो, कम हो, तो जो आपके रूट्स निकल के आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अभी हम आपको डिस्क्रिमिनेंट कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दिखाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट d कैसे निकालते हैं और उन रूट्स का नेचर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स ही बताना है आपको। तो पहला है आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास। तो पहला जो आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है
उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर एक्स की उसको पहले लिखना है, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। तो ये पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो ए है उसकी वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है +3। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, बी का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी 2 और सी यानी 3, कितना हो गए 49, 24, 49 में से 24 गए तो कितना बचा 25 बचा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो हमारा 25 आया, यानी डी जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसलिए जो अल्फा और बीटा होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, अल्फा बीटा बराबर नहीं होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स निकल गया, यानी रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ रहा है 25 आ रहा है। इस तरह से एक एग्जांपल और ले रहे हैं, x² + 5x + 5 = 0। तो पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही दे रखी है इक्वेशन। अब इसके ए बी सी पता कर लेंगे। ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास +5 और सी है भी हमारे पास है +5। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे। D का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac यानी 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, 5 का स्क्वायर 25 -20 और ये आ गया आपका 5। तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अल्फा बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो रियल होंगे और दोनों जो हैं अनइक्वल होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से एक और कर रहे हैं। x² + 5x + 5, यहाँ पे a जो है वो 2 है, b जो है वो 5 है और c जो है वो भी क्या है 5 है। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b बराबर हो गया b² बोले तो 5 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 यानी 25 40, कितना बचा -15। यानी यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब ये है अल्फा बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे या नॉन रियल नंबर होंगे, नॉन रियल, रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, वो कर लीजिए और आप इससे पता कर सकते हैं कि जो नेचर है रूट्स का वो क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कहाँ पे होता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए आप रूट्स कैसे पता कर सकते हैं।
मान लीजिए आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन आपको पता ही है। तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, कितने निकलेंगे, दो, अल्फा इज इक्वल टू एंड बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा दो रूट्स निकलेंगे। तो इनका जो अल्फा बीटा का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं निकालने का, वो होता है अल्फा बराबर आएगा आपका माइनस बी प्लस में अंडर रूट में डी, यहाँ पे डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था, अपॉन में टू ए, बी हमारे पास कॉफिशियंट है एक्स का और ए कॉफिशियंट है एक्स स्क्वायर का। इस तरह से जो बीटा आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस बी, ये प्लस का साइन अब चेंज कर देंगे यहाँ, माइनस लगा देंगे, अंडर रूट में डी अपॉन में टू ए। तो ये दोनों जो हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाते हैं, अल्फा का ये रहा और बीटा का फॉर्मूला ये रहा। इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, और इससे जो है हम रूट्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, फिर एक बार प्लस, एक बार माइनस, अंडर रूट में डी अपॉन में टू ए, ये भी होता है। तो अभी इस फॉर्मूला का यूज आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। सभी लिख लिया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता करने हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके एबीसी पता कर लेते हैं क्या है। तो इसके ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस फोर, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू थ्री। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी बी का स्क्वायर यानी माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व यानी फोर, डी बराबर आया फोर। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा बीटा आएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, बराबर भी नहीं होंगे अल्फा बीटा। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, माइनस डी, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, प्लस स्क्वायर रूट में डी अपॉन में टू ए। तो माइनस बी यानी माइनस निशान, देखिए यहाँ पे जो माइनस बी है ये पहले आपको माइनस का निशान लगा लेना है पहले से ही, और फिर बी की वैल्यू जो भी है वो रखनी है। तो बी की वैल्यू माइनस फोर है, बच्चे क्या करते हैं माइनस बी समझते हैं कि माइनस बी यही है माइनस फोर, नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना है। और बी कितना है, फोर है, टू इंटू वन, तो ये हो गया फोर प्लस में टू अपॉन में टू यानी सिक्स अपॉन टू, इसे काटेंगे तो आपका अल्फा बराबर आएगा थ्री।
तो अल्फा निकल गया 3, अल्फा बराबर 3 निकल गया। अब बीटा बराबर निकालेंगे, बीटा तो बीटा के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आपका जो बीटा आएगा, इसे 2 से 2 को काटा हुआ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बीटा कितना निकला आपका, बीटा निकला 1। तो देखो आपके दोनों रूट्स निकल गए। इस तरह से एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स आपको पता करने हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए और फिर उसके बाद जो है इसके ए बी सी पता कीजिए कितने हैं, क्या हैं, सॉरी ए बी सी। तो ए तो हो गया 3, बी हो गया माइनस 5 और सी कितना हो गया माइनस 2। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2। तो 25 प्लस में 24 यानी 49। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट आया पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, अलग अलग निकलेंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो पता कर लेते हैं, अल्फा बराबर फॉर्मूला लगाइए माइनस बी प्लस में स्क्वायर रूट में डी अपॉन में 2a माइनस, पहले माइनस निशान लगा दिया हमने, अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस 5 है। तब दीजिए सारी वैल्यू, तो ये कितना आ गया आपका 5 प्लस में 7 अपॉन में 6, 7 5 12, 12 बट्टा 6 और ये आ गया 2, यानी अल्फा आया आपका 2, 2 आया अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कितना आया आपका, अल्फा आया आपका 2। अब बीटा निकाल लीजिए, बीटा कितना आएगा, बीटा क्या होता है, बीटा जो होता है, निशान चेंज करना है यहाँ का, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस 2। और बीटा कितना आएगा आपका माइनस 1 अपॉन 3, बीटा आया माइनस 1 अपॉन 3। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए आप जो है अल्फा बीटा यानी रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो पता कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स पता करने हैं आपको। तो पहले इसको थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसमें यहाँ पे सी जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, आप चाहो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। हम क्या करेंगे, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
अब जरा चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा। तो पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं इसके, ए बी सी ये कॉफिशियंट होते हैं, तो एक्स का कॉफिशियंट 4 है यानी ए 4 है, एक्स का कॉफिशियंट -4 है यानी बी -4 है, और सी कितना है -1 है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -1 यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो गया 16 प्लस में 16 यानी 32। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, 32 आया। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा बीटा निकलेंगे आपके वो क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए। अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, एक बार दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख दे रहा हूं मैं। माइनस बी बोले तो माइनस माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 32 अपॉन में 8, तो ये हो गया 4 प्लस में अंडर रूट 32 अपॉन में 8। 32 को जरा स्क्वायर रूट से देखते हैं कितना बाहर निकलता है, तो 1, 2 यानी 4 अंडर रूट 2 हो गया, तो ये आपका आएगा 4 प्लस में 4 अंडर रूट 2 अपॉन में 8, 4 कॉमन ले लिया तो 4 अपॉन में 8, 1 प्लस में अंडर रूट 2, तो ये हो गया हाफ अंडर रूट 2 प्लस में 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, सॉरी एक बार प्लस एक बार माइनस रह गया। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा निकल गया आपके। अब हम एक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करेंगे। अल्फा बीटा नोट डाउन कर लीजिए कितना आया, अब हम एक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें एक स्केलर दे रखा होगा, उस स्केलर को के भी कह सकते हैं, के पी के नाम से भी जान सकते हैं, एम के नाम से भी जान सकते हैं, वो स्केलर आपको पता करना होगा, कंडीशन आपको दे रखी होगी, तो कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। Find the value of k if given equation have real and equal roots। आपको एक equation दे रखा है नीचे, उसमें जो k है, k यानी अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आपको पता करनी है। कंडीशन ये है कि रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है। तो हमें पता है रियल और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है कि डी क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो अब इसमें ए देखिए क्या है, इस इक्वेशन में ए है 2, बी कितना है, बी है के, और सी कितना है, सी है 3। तो हमारे पास कंडीशन क्या है रियल और इक्वल रूट्स की कि डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
बी यानी ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर माइनस तीन छः छः चौकू चौबीस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 24, तो 24 को कर लीजिए जरा, कितना आता है स्क्वायर रूट से भाग निकलने पे, ये आएगा टू अंडर रूट सिक्स, यानी के इक्वल टू आएगा प्लस माइनस का टू अंडर रूट सिक्स, दो वैल्यू आएंगी के की, एक आएगी प्लस की और एक आएगी माइनस की। तो देखिए कंडीशन के बेस पे हमने जो है के की वैल्यू पता कर ली है। एक एग्जांपल और कर रहा हूं, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। पहला काम तो हमेशा आपका यही होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखिए के इससे मल्टीप्लाई होगा साथ के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो बहुत सोच समझ के करना। तो यहाँ पे ए जो है वो है के, बी जो है वो है माइनस टू के, सी जो है वो है सिक्स, ठीक है। तो अब हम रियल और इक्वल रूट की कंडीशन जो होती है वो रखेंगे। बी स्क्वायर कितना हो गया, यानी माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 4k, 4k कॉमन लिया तो बचा k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर आएगा आपका 4k इज इक्वल टू जीरो और k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो आपकी दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगी k इज इक्वल टू जीरो और एक आएगी k इज इक्वल टू सिक्स। इनको सॉल्व करने पे यही आएगी आपकी, तो आपकी के की वैल्यू निकल गई। तो ये तो एक कंडीशन दे रखती थी रियल और इक्वल रूट्स की। कभी कभी ये कंडीशन होती है कि आपको सिर्फ ये कह रखा है कि रूट्स जो हैं रियल हैं, तो रियल रूट्स जो हैं वो दो केस में निकलते हैं। एक अब इक्वल वाली कंडीशन हटा दी हमने, खाली ये कह रहा है कि उसके रूट्स क्या है, रियल हैं। अब आपके पास कंडीशन ये है कि उसके रूट्स रियल हैं, बस इक्वल हैं नहीं ये पता नहीं। तो रियल रूट्स दो कंडीशन में निकलते थे, रियल रूट्स कितने कंडीशन में निकलते थे, दो। एक होता था जब इक्वल हो, मतलब रियल तो है ही है इक्वल भी है, तो उस केस में डी क्या होता था, जीरो होता था, याद कीजिए। और एक होता था रियल भी है और अनइक्वल है, तो उस केस में डी क्या होता था, पॉजिटिव होता था, या हम ये भी कह सकते हैं डी जो है वो जीरो से बड़ा होता था। तो जब रियल है तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, तो हम दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, यानी डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन है किसकी, खाली रियल रूट्स की। ये पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं, बस इतना पता है, इतना दे रखा है आपको कि रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स की ये कंडीशन है कि डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब इस बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, आपको जो है पी की वैल्यू पता करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द गिवन इक्वेशन हैव रियल रूट्स, रियल दे रखा खाली,
तो 2x square plus 2x plus p is equal to 0 ये हमारा equation है। अब पहले इसको हमने standard form में लिख लेना है, तो ये पहले से ही standard form में दे रखी है। अब इसका a कितना है, b कितना है, c कितना है ये पता करते हैं। तो a है इसका 2, b है इसका 2 और c है p। तो condition क्या है, real roots की condition ये है कि discriminant आपका greater than or equal to 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी स्क्वायर बोले तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फोर माइनस एट पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एट पी को चाहे उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आया p 4 अपॉन में 8, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ तो निशान भी बदल जाएगा। p इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में 2, यानी जो p की वैल्यू है वो या तो हाफ होगी या हाफ से कम होगी। देखिए ग्रेटर देन के कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे हमें दे रखा है कि मान लो 4 इज ग्रेटर देन 8, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 2 या 4 इज ग्रेटर देन 3, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि 4 जो है 3 से क्या है, बड़ा होता है। लेकिन अगर हम सिंबल चेंज कर दें इनके, यानी दोनों के सिंबल चेंज करते हैं, इसका माइनस कर दें इसका भी माइनस, चेंज करना साथ साथ चेंज करना है, तो ये निशान जब भी हम सिंबल चेंज करेंगे तो निशान बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है, ये याद रखना। तो पी की वैल्यू हमने ऐसे पता कर ली। तो इस तरह से आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो है आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। वर्ड प्रॉब्लम होती हैं कि आपको कुछ डे टू डे लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और उन प्रॉब्लम्स को आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और जब आप उन वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फिर आप उनको सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपके पास मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है या फिर जो है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इनको यूज करते हुए आप उनके रूट्स पता कर लीजिए, उनकी वैल्यूज पता कर लीजिए। अच्छा, जो हमारे पास तीसरा वाला मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो हमारे CBSE के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही वो आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी जितना भी सिलेबस है वो NCERT का आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा मैंने इसकी करीब 300 न्यूमेरिकल्स इसके बनाए हुए हैं, वो मैंने फॉरवर्ड कर दिए हैं, वो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीब 300 न्यूमेरिकल्स मैंने तैयार किए हैं, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट न्यूटन से और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका आप फायदा उठा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद।